हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी प्रो। आज ब्रेड एंड बटर की सीरीज में हम जनवरी के पार्ट टू का डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में 6th to 10th January के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस हो जाएंगे। हम आज 27 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक नेस्ट के बारे में है। ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा सेटअप किया गया। नेस्ट मतलब न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन। ये मिनिस्ट्री का एक नोडल डिवीजन होगा जो न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनको यूज करेगा। ये कोलैबोरेट करेगा फॉरेन पार्टनर्स से इन द फील्ड ऑफ 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद वो नॉर्मल सी बातें के सिक्योरिटी गोल्स, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, डोमेस्टिक स्टेक होल्डर के साथ कोऑपरेशन, ये सारी चीजें होगी। क्वेश्चन बस यही बनता है कि नेस्ट क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक चाइनीज पैडल फिश के बारे में है। इसका साइंटिफिक नेम है सिफ्यूरिस ग्लैडियस। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये फिश एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दी गई है। ये 15 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्टेंस में थी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी सिंस 1996। ये चाइना में जो ब्रह्मपुत्र है वहाँ उस रिवर को यांगसे रिवर कहा जाता है। ये फिश वहाँ पाई जाती थी और January 1, 2020 से चाइना में इस रिवर में फिशिंग बैन स्टार्ट कर दिया गया 10 साल के लिए ताकि स्पीशीज को बचाया जा सके। ये काफ़ी दुखद बात है कि अब पिक्चर में ही इस फिश को देखा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल किरण स्कीम के बारे में है। किरण मतलब नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये एक वुमेन एक्सक्लूसिव स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके एम की बात करें तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेंडर पैरिटी को टारगेट करती है क्योंकि वुमेन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वजह से टाइम ना मिलने के कारण और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स इनको डील करने का काम करती है ताकि वुमेन साइंस के फील्ड में आगे बढ़ सकें। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किरण स्कीम किससे रिलेटेड है। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। तो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि किरण हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत दो स्कीम है, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए एंड वुमेन साइंटिस्ट स्कीम बी। ये सारे जो इश्यूज जो वुमेन को डील करने पड़ते हैं उसका समाधान करने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। आपने सुना होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्चुअली होता है कि जैसे जो कॉरपोरेशंस होते हैं, डिफरेंट फर्म्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो सोसाइटी से बहुत कुछ गेन करते हैं, चाहे वो रिसोर्सेस हो या उनके कस्टमर्स हो, और जो एनवायरनमेंट है उनके नेचुरल रिसोर्सेस का भी वो यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी गेन्स होते हैं वो उनके पास होते हैं। तो ये एक आइडिया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इंडिया में मैंडेटरी भी है आफ्टर 2014 कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि आपने जो सोसाइटी से लिया है आपको किसी ना किसी तरह उसको वापस देना चाहिए। तो सोसाइटी में चाहे वो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हो या सोशल सर्विस हो, इस तरीके से उसको वापस देना चाहिए। भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत 3 साल का जो 2% प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा कंपनीज का, उनको CSR के रूप में सोसाइटी को वापस देना है, चाहे वो किसी भी थ्रू। इसी प्रकार जो साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है 1 साल से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये एक तरीके से रिसर्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो नॉलेज गेन करते हैं साइंस के अंडर, जो कि फंडेड बाय मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहिए कि साइंस ज़्यादा पॉपुलराइज हो और पब्लिक को एक्सेसिबल हो। बिकॉज नॉलेज ऐसी एक चीज़ है, अगर वो आपके अंदर ही रह गई और स्प्रेड नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ड्यूटीज़ में अलग से एक ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्प्रेड करना। अब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो एक तरीके से ये अच्छा स्टेप है। इसके तहत वो डिफरेंट लेक्चर्स दे के या आर्टिकल्स लिख के मैगजीन में या करिकुलम से कुछ हट के करके साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ये साइंस आउटरीच मैंडेटरी होगा और रिसर्चर्स को उनके आउटकम रिपोर्ट में इसके बारे में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेलम केव्स के बारे में है। ये केव्स कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, इसके बेलम विलेज में है। ये एक लाइमस्टोन डिपॉजिट से बनी केव है। ये एंशियंट टाइम से जैन्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स
इनके रहने के लिए यूज की जा रही थी। भारत में ही सेकेंड लार्जेस्ट केव है आफ्टर क्रेम लियात प्रा, जो कि मेघालय में केव है। ये एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है। इसकी खास बात यह है कि ये एक लॉन्गेस्ट केव सिस्टम है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, जहाँ पे स्पेलियोथेमसी फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये जो आपको रॉक फॉर्मेशंस ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है, ऊपर वाली रॉक फॉर्मेशंस को स्टेलेसाइट कहते हैं और नीचे वाली रॉक फॉर्मेशंस को स्टैलेगमाइट कहते हैं। ये बेसिकली अगर कुछ मेल्टेड मटेरियल हो या मिनरल्स हो, वो ऊपर से ऐसा फॉर्मेशन बना रहे हैं कि वो जैसे गिरने वाले हैं, और नीचे से भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मेशन बनता है। आपको ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टैलेगमाइट ये किस से रिलेटेड फॉर्मेशंस है, सैंड से रिलेटेड है, केव से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इन बेलम केव्स को पॉपुलराइज करने के लिए बेलम केव्स फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको लोकली कंडाना वालू संबारालू ये भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वेटलैंड कंजर्वेशन रूल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं इंडस्ट्रीज के एक्सपांशन के लिए, अगर वो वेटलैंड्स में हो रहे हैं, या इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन के लिए। इन रूल्स के मुताबिक अथॉरिटी बनेगी स्टेट लेवल पे और यूनियन टेरिटरी लेवल पे। ये अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी सभी वेटलैंड्स के लिस्ट को और स्ट्रेटेजाइज करेगी उनके कंजर्वेशन के लिए। ये रिकमेंड भी करेगी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ दैट वेटलैंड। अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो बेसिकली ये वो लैंड होते हैं जो कि वाटर से कवर्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा तरल लैंड होते हैं। वेटलैंड्स एक की रोल अदा करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, या फूड या फाइबर प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया में वेटलैंड सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है जो कि 16, उसके बाद मध्य प्रदेश में 13, इस प्रकार बाकी स्टेट्स में है। इंडिया की प्रोमिनेंट वेटलैंड्स की बात करें तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, चिल्का लेक उड़ीसा, वुलर लेक JNK, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में क्वेश्चन भी था, सामर लेक राजस्थान, दीपोर बिल असम, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल, नाल सरोवर गुजरात, हरिका पंजाब, रुद्र सागर त्रिपुरा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। इंटरनेशनली बात करें तो रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड से डील करता है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से डील करता है। रामसर ईरान में एक सिटी है, उसके नाम पे ये कन्वेंशन का नाम है और ये 1971 इस ईयर में साइन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मिलन एक्सरसाइज के बारे में है। ये एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये आर्मी की या एयरफोर्स की एक्सरसाइज नहीं है। ये फ्रेंडली फॉरेन नेवीज के बीच में कंडक्ट होती है, जो इंडिया कंडक्ट करा रहा है। ये मार्च 2020 को कंडक्ट होने वाली है विशाखापट्टनम में, जिसमें 41 नेवीज ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद ये काफी नॉर्मल सी बातें हैं कि एक दूसरे से सीखना, उनकी स्ट्रेंथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाना। इसके अलावा इस साल की थीम रहेगी सिनर्जी अक्रॉस द सीज। नेक्स्ट टॉपिक सी सेस के बारे में है। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर स्नो एंड एवलांचे स्टडी एस्टैब्लिशमेंट। ये एक लैबोरेटरी है DRDO की, ये मनाली हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये रिसर्च करती है स्नो और एवलांचे को कंट्रोल करने के लिए और ये फोरकास्ट करने का भी काम करती है फॉर आर्म फोर्सेस। कॉन्टेक्स्ट ये था कि एवलांचे वार्निंग दी गई इसके द्वारा लेह में, लद्दाख रीजन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में है। ये अग्रीमेंट इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुआ। ये एक्चुअली 2018 को ही साइन हो चुका था। ये एक माइलस्टोन के रूप में एक्ट करेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा बिटवीन टू नेशंस, स्टूडेंट्स, अकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, इनकी मोबिलिटी बढ़ाएगा और इरेगुलर माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज में कॉपरेशन बढ़ाएगा। ये इनिशियली वैलिड होगा 7 ईयर्स के लिए और ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक गोल्डीलॉक जोन के बारे में है। गोल्डीलॉक जोन पे पहले UPSC ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी चुका है डायरेक्टली। तो ये हैबिटेबल जोन है जो किसी भी स्टार के अराउंड हो सकता है। इस जोन की खासियत यह है कि ये ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण जो वाटर है वो उसके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है और वहाँ पे लाइफ पनप पाती है। अगर हम सन की बात करें तो अर्थ उसका गोल्डीलॉक जोन कहलाएगा। अगर अर्थ काफ़ी दूर होती, जैसे प्लूटो के पास के तरफ होती, तो वहाँ वाटर फ्रीज हो जाता, और अगर अर्थ मर्क्यूरी के प्लेस पे होती तो वहाँ पे वाटर होता ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा TOI 700D के बारे में है। एक्चुअली ये अर्थ साइज प्लैनेट डिस्कवर हुआ है
नासा के टेस्ट मिशन के द्वारा। टेस्ट मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ये अर्थ के तरह ही हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। ये अपने स्टार को 37 डेज में पूरा ऑर्बिट करता है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये जितना अर्थ सन से लेती है उसका 86% एनर्जी रिसीव करता है। हम नासा के टेस्ट की बात करें तो टेस्ट मिशन का ये पहला अर्थ साइज प्लैनेट डिस्कवरी है। इसके अलावा केपलर मिशन ने भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर किया था जो अर्थ साइज के हैं, हालांकि ऐसे प्लैनेट्स बहुत कम पाए गए हैं। इस स्लाइड में हम फटाफट से जो HRD मिनिस्ट्री की बाकी स्कीम्स थी जो मिस आउट हो गई थी हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्स है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। ये इंप्लीमेंट की जाएगी IISc बैंगलोर के द्वारा। ये एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग प्रोवाइड करेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अब ये क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ HRD और कैनरा बैंक का। इसके तहत जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको फाइनेंस किया जाएगा कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। ये स्कूल एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इनफैक्ट वो इंस्टीट्यूट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। ये फाइनेंस करेंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एम्स, इस प्रकार के सभी इंस्टीट्यूशंस कवर किए जाएंगे। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरह रजिस्टर किया गया है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC के तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट इम्प्रेस स्कीम है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस। ये एम करता है सोशल साइंस रिसर्च के लिए, जैसे नाम से ही शो होता है, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है स्वयं। ये ऑनलाइन डिग्री प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के, ताकि क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल हो पाए और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ पाए। नेक्स्ट टॉपिक नालाबाना बर्ड सेंचुरी के बारे में है। ये बर्ड सेंचुरी नालाबाना आइलैंड जो कि चिल्का लगून में है ओडिशा में, यहाँ पे है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ अराइव हुए नालाबाना बर्ड सेंचुरी में। इस बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये कोर एरिया ऑफ चिल्का में है। ये आइलैंड यूजुअली मानसून के पीरियड में जब बहुत पानी आ जाता है तो ये गायब हो जाता है और पोस्ट मानसून फिर से अपीयर हो जाता है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यूजुअली विंटर टाइम्स में, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जैसे साइबेरिया, चाइना, जापान, ये काफ़ी कोल्ड होता है तो वो यहाँ माइग्रेट करते हैं। चिल्का लेक की बात करें तो ये एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून है आफ्टर न्यू सेलिडोनियन बैरियर रीफ। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें जो यहाँ अराइव होते हैं, उनमें से है बार हेडेड गीस, ग्रेटर फ्लेमिंगोस, हेरोन्स, ब्लैक टेल्ड गॉडविच्स, रेयर ग्रेट नॉट। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनका नंबर इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जो प्रॉन कल्टीवेशन है वो इलीगली यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे आप पिक्चर में प्रॉन देख सकते हैं, ये जो इंसेक्ट है इनको कंज्यूम करने के लिए माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। ग्रेट नॉट की बात करें, ये बर्ड है यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर आती है ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है रशिया, कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईस्ट अरेबियन पेनिनसुला में भी ये पाई जाती है। IUCN के द्वारा इसे एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि लैबोरेटरी जो सारस MK2 है इसे कमर्शियली वायबल करवाने के लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी फ्लेक्सिबल है, इन अ सेंस कि ये काफी चीप है व्हेन इट कम्स टू अदर एयरक्राफ्ट, और ये अनपेव्ड और सेमी प्रिपेड एयर स्ट्रिप्स में भी काम करता है। सारस MK2 ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट है जो कि 50 करोड़ की लागत में बनाया गया है इंडिजिनियसली NAL के द्वारा। इसका कॉस्ट बेसिकली 20 से 25% कम है व्हेन इट कम्स टू अदर कैटेगरीज। NAL की बात करें तो ये इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओनली गवर्नमेंट एरोस्पेस R&D लैबोरेटरी है। ये CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा 1959 को एस्टैब्लिश की गई। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में शिफ्ट कर दिया गया। NAL का मानना है कि सारस MK2 ये उड़ान स्कीम, उड़े देश का हर नागरिक इसमें बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा इसको VIP सर्विसेज या इमरजेंसीज के सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बीबी का मकबरा, इसके बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
इसके कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स अपनाए हैं। अब ये मॉन्यूमेंट है कहाँ? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये 17th सेंचुरी का फेमस मुगल एरा का मॉन्यूमेंट है जो कि एम्परर औरंगजेब ने 1660 को कमीशन किया उनकी वाइफ दिलरस बानो बेगम की याद में। इसे ताज ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करने का काम करता है, जिसके तहत वो काफ़ी सारे साइंटिफिक एनालिसिस, रिसर्च, एक्सकवेशन भी किया जाता है उनके द्वारा। ये 1861 में फाउंड किया गया अलेक्जेंडर कनिंगम इनके द्वारा, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल भी बने ASI के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक खिलोंजिया, इसके बारे में है। ये असम के इंडिजिनियस पॉपुलेशन, इंडिजिनियस ट्राइब्स, उनको दर्शाने के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि एथनिक जो कम्युनिटीज़ है असम की, उन लोगों ने नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ये दर्जा देने से मना किया है। ये अपोजिशन आया इसीलिए क्योंकि खिलोंजिया, इसके लिए बाकी लोगों को भी क्वालिफाई करने की बात की गई एज पर क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड 1985। इसके अंतर्गत लैंड और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो इंडिजिनियस पीपल है असम के, उनको ही दिए जाएंगे। अब इंडिजिनियस में अगर बाकी लोगों को ऐड नहीं करेंगे तो उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, तो खिलोंजिया में बाकी लोगों को भी ऐड करने की बात की गई, पर इसके अगेंस्ट जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल खिलोंजियाज इसमें बोडो, दिवरी, दिमासा, राबा, सोनोवल कचारी, थेंगल कचारी एंड तिवा, ये ट्राइब्स इंक्लूड हुई है। तो ये ट्राइब के नाम आप याद रखिए क्योंकि ऑप्शंस में आपको पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इसके बारे में बस 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? ये स्टेट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अंतर्गत आती है और शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप बर्ड को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने BEE इसके साथ कंसल्ट करते हुए जो रूम एयर कंडीशनर्स हैं उनके लिए नए स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं। अब स्टैंडर्ड्स क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है, ये बॉडी के बारे में आप जरूर जानिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज डेवलप करती है एनर्जी इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है वो कम करने के लिए, कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले। ACs में जो स्टार लेबलिंग है वो भी इस बॉडी के द्वारा होती है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये बॉडी कोऑर्डिनेट करती है कंज्यूमर्स के साथ, डिफरेंट एजेंसीज के साथ, और यूटिलाइज करती है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत इसको जो भी ड्यूटीज और फंक्शंस दिए गए हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि यहाँ बंगाल टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं तो इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित करने के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये ऑलरेडी इंटरनेशनल बर्ड एरिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत से बर्ड्स लाइक नीलगिरी वुड पिजन, मालाबार पैराकिट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये सारे पाए जाते हैं। ये सेंचुरी रेप्टाइल्स में भी काफ़ी रिच है, रेप्टाइल्स की स्पीशीज में, तो ये काफ़ी ह्यूज अट्रैक्शन है फॉर हर्पेटोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करते हैं एम्फेबियंस और रेप्टाइल्स को। ये सेंचुरी 1999 में फॉर्म हुई थी और गोवा ओनली स्टेट बन जाता है ये सेंचुरी की वजह से जो वेस्टर्न घाट्स को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा है गोवा में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का यही एक सेंचुरी एक जो पार्ट है। इसके अलावा ये सेंचुरी में जो गोवा की हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी यहीं पाई जाती है। ये सेंचुरी का नाम देखे तो मादी रिवर, इसके ऊपर से ये सेंचुरी का नाम है। ये रिवर के कैचमेंट एरिया में ही ये सेंचुरी है। ये रिवर को मांडोवी रिवर भी कहा जाता है जो कर्नाटका में ओरिजिन होके गोवा से होते हुए अरब सी में मिल जाती है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सी गार्डियन के बारे में है। ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ये 6th ऐसी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछेंगे, मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, कि ये एक्सरसाइज किन दोनों देशों के बीच में कंडक्ट हो रही है। आप इसमें एक और बात ध्यान में रखिए कि जो धर्मा गार्डियन है ये इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेके लैंग्वेज के बारे में है। एक्चुअली कंटेक्स्ट ये है कि ये लैंग्वेज अभी लुप्त होने के गगार पे है। कुछ 700 लोग ही बचे हैं पूरे वर्ल्ड में जो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब है गोल्डन लैंग्वेज और ये मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट नेपाल में ओरिजिनेट हुई। ये एक अनरिटन लैंग्वेज है
और अब तक और बस 5 गांव में बोली जा रही है जो कि तिब्बत के बॉर्डर के पास है। अब ये जो लैंग्वेजेस है, जैसे हमको पता है कि जो एनिमल्स अगर एंडेंजर्ड है तो उनको रिकॉग्नाइज और लिस्ट करने का काम कौन करता है? IUCN। अगर लैंग्वेजेस एंडेंजर्ड हो तो उनको रिकॉग्नाइज और लिस्ट करने का काम यूनेस्को करता है। यूनेस्को के द्वारा ऐसे 4 कैटेगरीज में, नो इनफैक्ट 5 कैटेगरीज में डिग्री ऑफ एंडेंजरमेंट डिवाइड किया गया है। पहला है वल्नरेबल, सेकेंड इज डेफिनेटली एंडेंजर्ड, थर्ड इज सीवियरली एंडेंजर्ड, फोर्थ इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फिफ्थ इज एक्सटिंक्ट। जहाँ ये वो परिस्थिति होगी कि जहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं बचा है वर्ल्ड वाइड। एक और जानने वाली बात ये है कि यूनेस्को ने इंडिया से 42 लैंग्वेजेस को क्रिटिकली एंडेंजर्ड बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर पोस्ट अप होते हैं और इस वीडियो का PDF भी आपको यहीं पे मिलेगा। कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट करके भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।